बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। मेरी यही दुआ है कि मेरे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई गम कोई परेशानी आप लोगों के पास ना आए। आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, मैं भी ठीक नहीं हो रही, कुछ खा पी भी नहीं सकती और बोलती भी नहीं हूँ। मुंह का जायका अजीब होता है ना, तो फिर बोला भी नहीं जाता। तो बहुत ज़्यादा कड़वा मुंह है, इसलिए तो बहुत परेशान हूँ। अल्लाह पाक हर किसी को तंदुरुस्ती दे, कोई दुख कोई परेशानी ना दे अल्लाह। तो मुस्कान की जैसे खबर देखी है तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो मैं यही दुआ करती हूँ हर किसी के लिए कि ऐसे खुद खुशी अल्लाह पाक ऐसा हो, कोई भी खुद खुशी ना करे। बहुत मुश्किल होती है कि हराम मौत तो बहुत मुश्किल होती है। इतनी प्यारी बच्ची थी, देखकर दिल खुश होता था, तो वो इस दुनिया से ऐसे चली गई। एक तो हो गई थी जो हो गई थी, यूनुस तो इस दुनिया से चला गया था, ये तो ना होती। ये दोनों इतने जल्दी इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह पाक, मैं भी कहती थी किनका कसूर है क्या है, तो पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैं तो बस ये दुआ करती थी अल्लाह इस बच्ची के नसीब अच्छे कर दे, अल्लाह इस बच्ची को सेहत दे। जब पहले मैंने देखा था ना बीमार, तो फिर मैंने देखा था एक वीडियो में ठीक थी, इनके वीडियो हंसी खुशी आ रही थी, तो फिर अचानक से ये खबर सुनी, तो बहुत ज़्यादा दुख है मेरे दिल में। बहुत ज़्यादा दुआ करनी है बहन भाइयों ने सब ने, अल्लाह उस बच्ची को जन्नत में जगह दे। खुद खुशी वाली मौत बहुत मुश्किल होती है, इतनी प्यारी बच्ची थी, देखकर दिल खुश होता था। तो बस मुश्किल से उठकर बैठी हूँ, तो मैंने कहा सबसे यही कहूँ कि सब ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, यूनुस बेटा के लिए भी और इनके लिए भी। अल्लाह इन दोनों को जन्नत अदा फरमाए, अल्लाह पाक जो खताएं हैं जो गुनाह हैं माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे। अल्लाह पाक हमारा दिल ये किसी के लिए नहीं है कि ऐसा किसी के साथ भी हो, किसी को भी ना कुछ हो, कभी किसी को भी। दोनों बच्चे चले गए हैं इस दुनिया से, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि मैं भी ठीक हो जाऊँ जल्दी से, तो मेरी बच्ची भी मेरी वजह से परेशान है। तो रात को भी मैं नहीं सोती, मेरी बेटी उठ उठ कर देखती रहती है, अम्मी ठीक तो हो, अम्मी ठीक तो हो। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, आप लोग सब ने उस बच्ची के लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसे जन्नत फिरदौस में जगह दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारे बहन भाई? हम भी ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो आज बाजी ने थोड़ी सी कोशिश की है वीडियो बनाने की, तो उनसे बात इतनी हो नहीं रही थी, फिर भी थोड़ी बहुत उन्होंने आपसे बात की है। तो अल्लाह पाक सबको सेहत की बादशाही दे और हराम मौत से सबको बचाए।
किसी को खुद कृषि करने की तौफीक ना दे अल्लाह पाक। जिन्होंने कर लिया उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो उनकी मगफरत अल्लाह पाक कबूल फरमाए। सब दुआ करें अल्लाह पाक सबको हराम मौत से बचाए। तो आप सबसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। तो अब हम वीडियो का कर रहे हैं एंड, चिड़िया वगैरह भी खेल रही हैं। ये देखें चिड़िया वगैरह भी उड़ रही हैं और कबूतर हमारे खड़े हुए हैं, इस पिच पर खड़े रहते हैं बैठकर। ऐसे तो दो बैठते हैं, आज तीसरे को भी किसी तरह बैठा लिया इन्होंने। और इधर चिड़िया वगैरह उड़ रही हैं, चिड़ियों ने भी ऊपर घोंसला बनाया हुआ था, तो यहाँ पर इनके बच्चे वगैरह होते हैं। जब पंखा चल रहा होता है तो डर लगता है कहीं पंखे के नीचे ना आ जाए, तो इनकी वजह से बाजी अक्सर पंखा भी गर्मियों में बंद रखती है ताकि ये बचे रहें। ये परिंदों का हाल है, उन्हें तो समझ नहीं है, अक्सर पंखे के नीचे आने लग जाती है, तो इसलिए पंखा वगैरह बंद रखना पड़ता है। अब तो वैसे पंखे की मौसम भी नहीं है। चलो जी अब वीडियो को कर रहे हैं हम एंड, दुआओं में आप सब ने याद रखना है और बाजी के लिए खास करके दुआ करें कि जल्दी वो ठीक हो जाए। सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।